क्या आपको डार्क वेब के बारे में पता है? इस बच्चे ने डार्क वेब पर करोड़ों रुपए कमाए हैं सिर्फ ड्रग्स बेचकर। एक मिनट रुको, समझाता हूँ। देखिए, 2011 से पहले ड्रग्स खरीदना बेहद ही खतरनाक था, क्योंकि आप ऑब्वियसली ड्रग्स पब्लिकली नहीं खरीदते हैं। आप अकेले में ड्रग्स खरीदने जाते हैं और ड्रग्स डीलर आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन रॉस अल्बर्ट नाम के इस लड़के के दिमाग में एक प्लान आया। उसने अपनी जिंदगी भर की पूरी कमाई निकाली और उसे एक डार्क वेब बनाया, सिल्क रोड। एक ऐसी जगह जहां ड्रग्स बेच भी सकते हैं और ड्रग्स खरीद भी सकते हैं, बिल्कुल अमेज़न की तरह। बस इसमें अंतर इतना था कि यहाँ पे सेलर और बायर दोनों ही एनोनिमस होते हैं, क्योंकि ये साइट डार्क वेब पर था। लेकिन रॉस के सामने एक दिक्कत थी। हर किसी को लगता था कि ये एक स्कैम है, क्योंकि ड्रग्स के सेलर ऑब्वियसली क्रिमिनल्स होते थे, तो हर किसी को लगता था कि वो हम लोगों से चोरी कर सकते हैं। तो किसी ने भी उस साइट का इस्तेमाल नहीं किया और रॉस बैंकरप्ट होने वाला था। पर तभी रॉस के दिमाग में बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया। लोग अमेज़न पर भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें रिव्यूज होते हैं। तो उसने भी इस रिव्यू सिस्टम को अपने सिल्क रोड पर ऐड किया और जिस भी डीलर की रिव्यू खराब होती थी वो उसे निकाल देता था। सिल्क रोड में ड्रग्स डीलों की बहार आ गई और सिर्फ 2 सालों में रॉस ने 1 बिलियन बिटकॉइंस में कमाए। लेकिन तभी कुछ अलग होता है। FBI की नजर इस पूरे कांड पर पड़ते और वो इसके मास्टरमाइंड को ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये सारा खेल डार्क वेब पर चल रहा था, जहां हर किसी की पहचान एनोनिमस होती है। तो FBI के हाथ में कुछ नहीं लगा और रॉस पूरी तरह से सेफ था। लेकिन रॉस से एक गलती हो गई। उसने अपना ईमेल आईडी एक पब्लिक साइट पर पोस्ट करके रखा था, तो FBI ने उसके ईमेल आईडी को ट्रैक करके उसे अरेस्ट किया और आज रॉस अल्ब्रेक्ट USA के किसी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।